जल कल विभाग की घोला परवाही सामने पाइपलाइन डालते समय युवक की हुई मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के रामनगर चौकी क्षेत्र का है। मोहल्ला विजय नगर वार्ड नंबर 42 के टॉकीज के पीछे का है। जल कल विभाग की तरफ से पाइपलाइन डाली जा रही थी, तभी जेसीपी से खुदाई कर युवक पाइपलाइन में फंस रहा था। मिट्टी धंसने से युवक की हुई मौत। युवक थाना बसई मोहम्मदपुर के क्षेत्र ग्राम अंत की मड़िया का रहने वाला है। मृतक के परिवार में मचा है कोहराम। मृतक पर एक बेटी और एक बेटा है। जलकल विभाग के कर्मचारी सहित जेसीबी को छोड़कर हुए फरार। अब देखना यह होगा कि मृतक के परिवार को किस तरीके की संतुष्टि दी जाती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेश कुमार शर्मा, अभी न्यूज चैनल के लिए। क्या नाम है आपका? मैं राधा संकुमार। ये घटना हुई है थाना लाइन पार्क के क्षेत्र में, किस तरह की घटना हुई है और क्या मामला है पूरा? ये मोहल्ला विजय नगर वार्ड नंबर 42 सीवर पड़ रही थी। यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे तो सीवर ऊपर से मट्टी गिरने से एक मजदूर उसमें दब गया, मौके पर ही ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ परिवार के लोग थे, नहीं संतुष्ट हो पाए तो उसको आगरा ले गए, लेकिन ऐसा पता चला कि वो आगरा हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गया। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है ये बता रहे कि हमको भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन ये मड़ुआ बसई के पास अंत की मड़ैया है, वहाँ का रहने वाला था। उसके परिवार में बेचारे दो बच्चे हैं, पत्नी है घर में। अब आगे यहाँ कोई ठेकेदार वगैरह थे नहीं, लापरवाही भी बहुत ज़्यादा रहती है ठेकेदारों की। कम से कम मजदूर काम कर रहे तो उनको अच्छे तरीके से थोड़ा सहयोग दे के काम करवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और घटनाएं तो खैर आए दिन होती रहती हैं, लेकिन जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, ये घटना हुई है तो किसके कारकर्दी से कार चल रहा था सिविल लाइन का? ये जलकल का नगर निगम से हटके जलकल विभाग है, वो उसका कार्य बता रहे हैं कि जलकल से चल रहा है। लेकिन गलती कुछ शासन की भी रही है कि अभी नई सड़कें बनी हैं, एक दो महीने हुए और तुरंत उनको तोड़वाने में नंबर लगा दिया। कुछ मकानों में भी दिक्कत आ रही है, जिनके मकान पे वो पहुंच रही, लेंटर भी हिल रहे हैं, मकान हिले, काफ़ी लोग शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ थे नहीं तो इसलिए हमने ना तो विधायक जी को सूचना दे पाई और ना ही नगर निगम, ना जलकल विभाग वालों को। आज पता चला था थोड़ी जय साहब से बात करने को थे कि ये जो नई सड़कें बनी हैं इतनी जल्दी नहीं तोड़वाना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं, जो भी हो रहा है शासन की तरफ से ठीक नहीं है। मुश्किल से तो सड़कें बनी हैं 5 साल 6 साल में, बन के तैयार हुई हैं वैसे ही एक एक महीना हुआ है, तो पूरी जनता इससे संतुष्ट नहीं है और शिविर भी कामयाब नहीं हो रही है। फिरोजाबाद में जहाँ जहाँ शिविर पड़ी है किसी जगह कामयाब नहीं है। अब यहाँ तो देखा जाए कि अगर कामयाब होगी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो नई सड़कें खोद के बर्बाद की हैं इससे कोई भी पब्लिक संतुष्ट नहीं है। जो भी यहाँ हमारे भाई लोग बहनें खड़े हैं सभी लोग कह रहे हैं ये बहुत गलत हुआ है, जो फिरोजाबाद शहर की जो नई सड़कें बनी एक महीना भी नहीं हुआ और इनको तोड़वा दिया, चाहे वो नगर निगम का काम हो चाहे जलकल विभाग का हो। मेरा नाम गिरीश शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए जो घटना हुई है यहाँ पर कब और किस तरीके से घटना हुई है? मेरे को पता चली, मैं खाना खा रहा था, मैं उठ के भागा था। यहाँ पर दो आदमी दब गए, एक ऊपर दबा था एक नीचे, तो एक तो हमने देखा था एक दबा था, तो हमने हाथों से मिट्टी खींची है, करार पंट गई थी, मशीन से भी मिट्टी खिंचवाई थी, जब उसको निकाला है हमने अंदर से। कितने बजे की घटना है करीबन? जे 3:30 बजे की, करीब 3 बजे की घटना। मतलब जो व्यक्ति था वो कहाँ का रहने वाला था और किस तरीके से उसकी घटना हुई है? ये मड़ुआ ही माता के पास थे। कुछ नाम पता है व्यक्ति का? नाम महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।